तो हम पहुंच गए हैं पीओ चौक और यहाँ से हमें मिलेगी जी हमारी बस रिकॉन्ग पीओ टू चंडीगढ़। तो बस स्टैंड से जो बस है वो चलती है जी 6:15 पे सुबह और यहाँ पर पहुँच जाती है। उस दिन तो पहुँची थी जी 6:30। तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, एट द टाइम आप टिकट ले सकते हैं। तो ये आ गई है जी हमारी बस। तो चलिए चलते हैं। इधर रख दो, आ जाओ ऊपर। चलिए ठीक है, टांग उठो पहले। तो ये हम पहुंच गए हैं जी ख्वांगी रोड और यहाँ पे है जी हमारा अपना क्लिनिक, लाइफलाइन क्लिनिक। ये रहा, बाय बाय। तो मतलब ना जैसे ही मतलब सुबह उठे 4:30 हम उठे थे तो फिर मतलब बहुत ही गंदा जो है वो तबीयत हो गया था, ये सोच के कि बस में जाना है उल्टी जैसा। पर ठीक है, अब बस रुकती है जी टापरी बस स्टैंड पे अबाउट 5 और 10 मिनट्स के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अब चलिए टापरी से निकलते हैं। मतलब इस रूट का जो काफ़ी ज़्यादा, इस बस का जो काफ़ी ज़्यादा स्टे होता है बीच बीच में, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ आप सभी फाइन होंगे और मैं भी फाइन हूँ। तो अभी हम जो है वो तरांडा के पास पहुँचे हैं। तो यहाँ से आप इसकी ढांक को देख सकते हैं कैसी लगती है, और बस से तो और भी ज़्यादा डेंजरस लगती है। मतलब सीधे नीचे दिखता है ना इसमें। हाँ, तो जितना सोचा कि वॉमिटिंग होगी, ऐसी स्मेल होगी, तो वैसा कुछ भी नहीं था। हमने बुक की थी जी रिकॉन्ग पीओ टू चंडीगढ़ बस, सेमी डिलक्स बस। तो काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग में, बाकी आगे बताते हैं। तो ये जी हम पहुंच गए हैं तरंडा माता के पास। यहाँ पे हम रुके थे बदहाल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं रामपुर, यहाँ पे काफी ज्यादा देर का स्टे होता है। तो चलते हैं रामपुर न्यू बस स्टैंड।
जी बस थोड़ा सा ही आगे जाना होता है और जी उसके बाद आप पहुंच जाते हैं रामपुर के न्यू बस स्टैंड तक। ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है। तो चलिए जो भी है अब हम पहुंच ही जाएंगे रामपुर बस स्टैंड। तो जी पहुंच गए हम बस स्टैंड, रामपुर का बस स्टैंड, और बहुत गर्मी है तो थोड़ी बहुत आइसक्रीम खानी बनती है। तो जी अब हम कर लेंगे लंच। लंच बीच रास्ते में ही कर लिया गया था। अब हम पहुंच चुके थे ISPT, उसके बाद ये है जी सोलन बाईपास NH 4 लेन। बस से ना ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये है जी हमारी गाड़ी जिसको हमने सर्विसिंग को दिया था और अभी हम इसे लेने आए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो जैसे ही हम लोग परमाणु पहुँचे तो वैसे ही इन लोगों ने हम सभी को जो है नीचे उतार दिया। रिकॉन्ग्यू मतलब चंडीगढ़ टू रिकॉन्ग्यू जा रही थी बस, तो वो रास्ते में ख़राब हो गई, तो उसमें इन लोगों ने हमें नीचे उतार दिया जी, पूरी पैसेंजर्स को। काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो हैं वो पूरे घुस घुस के हरिद्वार वाली बस में चले गए। बाकी हमने इतना रेजिस्ट किया, इतना कुछ कहा कि अभी तो हमें छोड़ के आओ, फिर हम उसमें दोबारा अपनी ही बस में बैठ गए। तो उसके बाद जाके इन लोगों ने हमें चंडीगढ़ पहुंचाया। मतलब ये सब बताने का ये है कि मतलब जब भी ऐसा होता है तो चलो माना कि ह्यूमैनिटी होती है, बट किस बेसिस पे? अब हम लोग 9-10 बजे रात के वहाँ पे खड़े होके किस में जाते हैं? काफ़ी सारे लोग थे जिनकी फैमिलीज थी, लेडीज थी। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो सिचुएशन देख के ही आप क्या हैं रिस्पोंड कीजिए। और HRTC वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी भी पैसेंजर्स के साथ मत कीजिए। बुकिंग की है जी डिलक्स बस की, हमें भेज रहे हैं जी ऑर्डिनरी बस में। तो ये सब शेयर करना था। तो बाय बाय व्यूअर्स।